मोबाइल गिर जाएगा लगता है, छोड़ दे मोबाइल। हम वो तो वीडियो बनाऊंगे ही रहूंगा। आज मैं आप लोगों को अपनी मम्मी से भी मिलाने वाली हूँ, मेरी बहुत ही प्यारी मॉम है। गाइस मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, आज इतना काम किया है हम लोगों ने। आपको कैसा लग रहा है? दो बना रह गई, बताओ। So hey guys, welcome back to my channel Lux Styles. I'm Lakshmi Chaudhary. Today I'm sharing with you another exciting vlog. So guys, आज का vlog बनाते time मैं बहुत ही excited हूँ, क्योंकि आज का वो vlog बहुत ही special होने वाला है। So guys, ये vlog मैंने start किया रात के 9 बजे। पूरे दिन हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत घर की साफ सफाई की, क्योंकि हमारे घर आने वाले हैं हमारे जीजू। जी हाँ guys, मेरी sister यहाँ पे थी, आप लोगों पता नहीं इससे पहले वाले vlog में मैंने share किया है आप लोगों के साथ। तो मेरी sister यहाँ पे एक महीना रुकी हुई है, आज भी है। तो मेरे जीजा जी उनको लेने आने वाले हैं कल, तो उसके लिए हमने आज पूरी तैयारी कर दी है। गाइस चलिए आपको मेरी सिस्टर से मिलवाती हूँ मैं। जैकू से मिल लीजिए, जैक बैठ जा, बैठ जा। जैकू बैठ जा। तो गाइस मेरी सिस्टर से मिलिए, जूही चौधरी। हेलो। तो आपको कैसा लग रहा है हमारा घर को छोड़ रहे हैं? आप इतने दिन रहे यहाँ पर, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। सो गाइस आप लोगों ने सुना, मायका एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे हर लड़की आने के बाद जाने का नाम नहीं लेती, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, जाना तो पड़ता ही है गाइस। तो सभी को एक ना एक दिन जाना है, तो सिस्टर को भी बहुत बुरा फील हो रहा है जाते टाइम, उनको जाना नहीं है पर जाना पड़ रहा है। गाइस आज मैं आप लोगों को अपनी मम्मी से भी मिलाने वाली हूँ, मेरी बहुत ही प्यारी मॉम है। मम्मी क्या कर रहे हैं आप? मैं तो कवर साम उठ रही हूँ। कवर? तो आप कुछ बोलना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर को? सबको मेरी तरफ से प्रणाम। प्रणाम है गाइस आप सभी को। और मेरी लड़की है, कल जा रही है, तो मेरा बहुत जी बढ़ लिया है, क्या करूँ, मन में बहुत मन नहीं लगेगा मेरा, मन क्या करूँ, लगाना पड़ेगा। तो गाइज आप लोगों ने सुना, मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हमारी सिस्टर जा रही है, तो उससे ज्यादा आप मम्मी नहीं बोल पा रही है। आपको कैसा लग रहा है? दो बना रह गई, बताओ। चालू है रिकॉर्डिंग? है चालू है, चालू है। सो गाइज जैकू को बहुत बुरा लग रहा है, ये तो बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा है, इसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। जैकू को छोड़ के जा रही हूँ मैं। जैकू, जैकू पूछ हिलाने लग गया है गाइस, ये इसको भी बहुत मजा आ रहा है। क्या हो गया मेरा जेकू को, क्या हो गया मेरी जेकू को? ये भी उदास उदास बैठा है, इसको भी लग रहा है कि आज घर से कोई जाने वाला है, आज नहीं कल, बोल रहा है और करो। सो गाइस हम मिलते हैं आपको सुबह, अभी हमारा बहुत सारा काम बाकी है, अभी सिस्टर को फेशियल करना है और ब्लीच भी करना है और बाकी वैक्स और आईब्रो थ्रेडिंग वगैरह ये बाहर से करवा के आ गई है, तो वो जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो मेरा है। तो अभी हम बिल में बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी शूट, कल आप लोगों के साथ वापस ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं कल सुबह। सो गाइज मैंने अपने हेयर को अच्छी तरह से बांध लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ हिप हॉप स्किन केयर फेशियल वैक्स स्ट्रिप्स। सो गाइज मैंने यहाँ पे भाई से वीट की हेयर स्ट्रिप्स मंगाई थी, स्ट्रिप्स हाँ, लेकिन वो लेकर आया है ये हिप हॉप की, बट कोई ना, ये भी मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। एंड गाइस ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो सबसे बेस्ट है ये। मैं सोच रही थी इसके ऊपर मैं फुल वीडियो बनाऊं, लेकिन रात के अभी 12 बज चुके हैं गाइस, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, और सुबह 6 बजे तक मेरे जीजा जी आ जाएंगे, तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी इसके ऊपर फुल, लेकिन अभी इसका यूज करके मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करूंगी। एंड गाइस आपको इसके अंदर टोटल 10 स्ट्रिप्स मिलती हैं। एंड गाइस इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो ये ओनली 99 रुपीज का है। इसके अंदर कैसे यूज करना है वो भी लिखा है, तैयार तो कर दे, मुझे लाइट करनी पड़ेगी बड़ी वाली गाइस, वरना जो बाल उड़ने नहीं चाहिए वो भी उड़ जाएंगे। गाइस आपको इस तरह से कुछ स्ट्रिप्स मिलते हैं, ये दो हैं, इनको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ले गाइस मैंने दे दिया है अभी सिस्टर को, ये मेरे बाल की स्थिति सी कर देगी। दोनों पास चिपाइए,
हाँ तो दो है ये, दस हो या नहीं? दो है ये, छोड़ी मैं भी कर रही हूँ। हाँ अच्छा है ना, सब ऐसा उड़ा उतार दे, मैं उड़ा दिया तेरा यार। हे माता जी, और मेरे को नहीं लगाना, डर लग रहा है गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या लग रहा है ये क्या? और ये या ना कर यार, सही में लगा दे। लगा दे भी मन्ने की बार कटर लगाना, बाल कट है। हे प्रभु हे प्रभु, इतो क्या कर रहा है? रुक जा रुक जा, जल्दी से उतार दे। क्या हुआ? सो गाइस, कल का व्लॉग हमने आधा अधूरा बीच में छोड़ दिया था, आज वापस नया दिन स्टार्ट हो चुका है और अभी बज चुके हैं दोपहर के एक और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपना रेडी वाला ब्लॉग वीडियो शूट नहीं कर पाई बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। एंड मेरी एक दूसरी सिस्टर भी आई है बॉम्बे से, आप लोग मिलना चाहेंगे? जी हाँ, मुझे पता है आप लोग मन में सोच रहे हैं कि मिलना है, तो चलिए मैं आप लोगों को मिलाती हूँ मेरी सिस्टर से। आ जाओ, मिला तो ये रही मेरी सिस्टर। हाय, कुछ पूछ आप सब कैसे हो? तो गाइज आप सब कैसे हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, और आप बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो गाइज, इससे आप लोगों पर इतना विश्वास है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज मेरी छोटी सिस्टर जा रही है अपने ससुराल, देखिए अब कुछ तैयारी कर रही है, देखिए ये भी रेडी हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। और गाइज सच में आज है ना ये बॉम्बे से आई है, रात कुछ 4 बजे की इनकी फ्लाइट थी और 8 बजे तक पहुंच गई। ओनली एक दिन के लिए मेरी सिस्टर मतलब आई है, सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी सिस्टर से, मेरे लिए बड़ी है उनके लिए छोटी है, छोटी सिस्टर से मिलने के लिए। गाइज आप लोगों को मैंने कल भी बताया था 1 से 1.5 बजे के बीच में हमारे घर पे लेडीज आने वाली है। पता नहीं अभी सबका अलग अलग रिवाज होता है कि सिस्टर जा रही होती है तो जब जीजा जी उनको लेने आते हैं तो गीत गाए जाते हैं, तो उसका प्रोग्राम अभी रखा गया है 1 से 1.5 बजे के बीच में, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और किन किन में ये चीज़ होती है, ऐसा रिवाज है, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। सो गाइस देखते हैं बाला क्या कर रही है मेरी सिस्टर बड़ी वाली। क्या कर रहे हो आप? रोटी बना रही हूँ गरम गरम। हाँ रोटी बना रही हूँ गरम गरम, गर्मा गर्म रोटी बन रही है। आ जाइए गर्म रोटी खाने के लिए। भिंडी की सब्जी, किस किस को भिंडी की सब्जी पसंद है कि भिंडी सब्जी? तो गाइस मेरी सिस्टर है ना खाना बहुत टेस्टी बनाती है, इनके जैसा खाना हमारे घर पर कोई ही बना सकता होगा, लेकिन इनका जो खाना है ना आप खाएंगे तो हाथ चाटते रह जाएंगे, बहुत ही अमेजिंग लजीज, जो भी नाम देना है आप बाहर का खाना भी भूल जाएंगे, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तो अभी मुझे भूख लग गई गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद। भाभी ने मुंडो करके क्या बैठी है? अलग अलग है ये तो बता।
गाइस फाइनली आज का संगीत वाला प्रोग्राम पूरा हो चुका है। अभी हम लोग सब बैठे हैं हॉल में और अभी आपको मैं अपने जीजू से मिलवाती हूँ। हमने तो हमारे ले लिए थे, मैं, भल्ला, मम्मी, ये तो सारे ही आ गया जी हम लोग में। नमस्कार तलगन बल्लू। तो जीजा जी आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? मजा आ गया। तो गाइस आप लोगों ने सुना जीजा जी को बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। और दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं? परेशान हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह न्यू ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में बेल आइकन भी दिखा देगा उसे भी प्रेस कर देना, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।